हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। 2 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है COP 25, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 को लेके। न्यूज़ ये आई है कि अभी 30 अक्टूबर 2019 को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो 25वां एडिशन था वो चिल्ली में आयोजित होना था, बट चिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसने कैंसिल कर दिया कि भाई जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 25th समिट है वो आप कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वायलेंस वगैरह हिंसा है वो हो रही थी। इसी के साथ ही चिल्ली में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की समिट भी होने वाला था, वो भी कैंसिल है, वो कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ यहाँ पे आई है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है वो क्या होता है, और ऐसा पहली बार हुआ है नहीं हुआ है, वो कुछ फैक्ट हम यहाँ पे देख ले हैं। देखो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी कंट्री ने या मेज़बान कंट्री ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग है, समिट है, उसको कैंसिल किया है। इससे पहले भी एक बार ब्राज़ील ने किया था, तो वो आपको ध्यान में रखना है 2018 में, क्योंकि ब्राज़ील में पिछले साल काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो रखी थी, इसकी वजह से उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया था कि भाई वो कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज़ को होस्ट है वो नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये न्यूज़ आपको फिर ध्यान में रखना है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की समिट था वो भी चिल्ली में आयोजित होना था, बट वो भी कैंसिल है, वो कर दिया गया है। तो अभी यूनाइटेड नेशन है वो देख रहा है कि भाई और कहाँ पे इसको होस्ट है वो किया जा सकता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को लेके। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 25 है वो है क्या। देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं वो एक सुप्रीम बॉडी है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लेके। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो UNFCCC है इसकी एक सुप्रीम बॉडी है जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। अब इसके क्या है कि सेशन आयोजित किए जाते हैं, मतलब इसकी जगह जगह पे मीटिंग होती हैं, कई बार साल में 2 बार भी हो जाती हैं, अलग अलग मीटिंग्स होती रहती हैं। तो जो इसकी मीटिंग होती हैं उनको दिनांक जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहली जो ऐसी मीटिंग थी सुप्रीम बॉडी टाइप की, ये हुई थी 1995 में। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो सेशन था वो 1995 से स्टार्ट हुआ था जर्मनी के बर्लिन से। इसके बाद में हर साल ये अलग अलग कंट्री में आयोजित है वो किया जाता है, और अभी इसका 25वां एडिशन था या 25वां सेशन था वो चिल्ली में आयोजित होना था, बट वो कैंसिल है, वो हो गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि क्लाइमेट चेंज के जो डिसीजन होते हैं, किस तरीके से हमें क्लाइमेट चेंज से निपटना है, इन सब को लेके इसमें बातचीत की जाती है और डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट वगैरह साइन किए जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि 2015 में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी वहाँ पे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है वो निकल के आया था। तो जो इंपॉर्टेंट क्लाइमेट संबंधी डिसीजन वगैरह होते हैं वो सारे इसी मीटिंग के थ्रू है, या आप बोल सकते हो कि ये जो मीटिंग होती है इसके तहत लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा इसको सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा आयोजित है वो की जाती है। ये ध्यान रखना कि जो लास्ट कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज़ का सेशन था, यानी कि 24वां जो सेशन था, वो पोलैंड के कैटोवाइस सिटी में हुआ था। तो ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमारी 2019 में जो एग्ज़ाम थी उससे जस्ट पहले हुआ था मई में। तो ये कुछ फैक्ट UPSC पूछ सकती है। देखो, जो इस तरीके की इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं ना, या सबमिट वगैरह, इसमें आपको सेकंड जो भी मतलब रिसेंटली हुआ है वो, और जो करंट और आगे जो होने वाला है, इन तीन के बारे में आपको ध्यान है वो रखना होता है। तो अभी आपको बताया कि 25वां तो चिली में आयोजित होना था बट वो कैंसिल हो गया। तो आपको लास्ट ध्यान रखना है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 24वां एडिशन था वो केटोवाइस में हुआ था, पोलैंड में, यानी कि यूरोप में। किस लिए होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़? इन्वायरमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके जो भी डिसीजंस लेने हैं, मीटिंग करनी है, किस तरीके सॉल्यूशंस लेके आने हैं, इन सब पे बातचीत है वो की जाती है। अब हम ये भी देख लेते हैं लगे हाथ कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है। देखो, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो एक इंटर गवर्नमेंटल फॉर्म है, मतलब कि गवर्नमेंट है उन्होंने आपस में मिलकर एक फॉर्म का निर्माण कर रखा है। इसमें लगभग 21 कंट्रीज़ हैं वो मेंबर हैं। कौन कौन सी? एशियन कंट्रीज़ भी हैं और कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ भी हैं, यानी कि हम बात करें तो जो USA वाली कंट्रीज़ हैं वो भी इसकी मेंबर हैं। तो ये UPSC पूछ सकती हैं कि ओनली एशियन कंट्री ही मेंबर हैं वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस की बार एक्सट्रीम स्टेटमेंट के थ्रू पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में कुछ फैक्ट दिया गया है कि जैसे कि ये जो कंट्रीज़ हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो फॉर्म, इसमें तो ये कंट्रीज़ वो वर्ल्ड के लगभग 50% ट्रेड है इसको रिप्रेजेंट करती हैं। इसी के साथ वर्ल्ड की लगभग 57% जो GDP है इसको मतलब वर्ल्ड की जो जितनी GDP है इसमें 57% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन से ही होता है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो ग्रुप है ये बनाया गया था 1989 में, और ये ध्यान रखना इंडिया इसका एक ऑब्जर्वर स्टेट है, यानी कि इंडिया को अभी फुल मेंबरशिप नहीं मिली है, इंडिया अभी एक ऑब्जर्वर स्टेट है। 2011 से इंडिया ऑब्जर्वर है और अभी इंडिया ने फुल मेंबरशिप के लिए अप्लाई है वो किया हुआ है।
तो ये दो तीन फैक्ट यूपीएससी पूछ सकती है कि इंडिया इसका परमानेंट मेंबर है या मतलब ऑब्जर्वर स्टेट है। तो हाँ जी, इंडिया अभी इसका एक ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर मान्यता दी गई है। तो सारी जो कंट्रीज हैं वो तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी कंट्रीज की मेंबर हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है सीड अवार्ड के बारे में। तो सीड अवार्ड्स को लेकर न्यूज आई है। तो सीड का मतलब है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो हम एक एक करके देखते हैं। देखो सीड है, यह एक ग्लोबल पार्टनरशिप है। कौन किस किस के द्वारा, यह जो सीड जो है संस्था है वो एक ग्लोबल पार्टनरशिप है। किस किस की? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसी के साथ ही इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि यूएनईपी, यूएनडीपी और आईयूसीएन है। इन तीनों के द्वारा 2002 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर सबमिट हुआ था वर्ल्ड सबमिट जोहान्सबर्ग में, वहाँ पे सीड की स्थापना है वो की गई थी। सीड को इसलिए बनाया गया था, इस ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर्म को, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से हमें अचीव करना है, 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट रखे गए हैं, कैसे उन टारगेट तक हमें पहुंचना है, कौन कौन से एक्शंस लेने हैं, चैलेंजेस आएंगे तो कैसे हमें निपटना है, और जो ग्रीन इकोनॉमी है इसकी तरफ कैसे फोकस करना है, ग्रीन इकोनॉमी को कैसे अचीव करना है, इन सारी चीज़ों पर फोकस करने के लिए इस संस्था का निर्माण या इस ग्लोबल पार्टनरशिप का निर्माण किया गया था। तो अभी कौन कौन सी कंट्री ने कितना अच्छा काम किया है, कौन कौन सी संस्थाओं ने, इवन जैसे कोई संस्था है जिसने बहुत अच्छा काम किया हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को अचीव करने के लिए किसी देश में, तो उनको सीड अवार्ड्स के थ्रू सम्मानित है वो किया जाता है। तो मेनली जो हम बात करें यहाँ पे किस किस का टाइम देवर देखा जाता है, यानी कि वो कंट्री जो डेवलपिंग स्टेज में है। देखो डेवलप कंट्री के पास तो ऑलरेडी काफ़ी सारा पैसा होता है, तो वो तो इजीली अपने टारगेट्स को अचीव कर सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेनली टारगेट अचीव करने में पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेन जो होता है वो फंड चाहिए होता है। इसीलिए एशिया और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जैसे कि घाना, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, युगांडा, इनको देखा जाता है कि भाई यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी छोटी कंपनी है, बिजनेसेस हैं, वो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को अचीव करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो निभा रही हैं, या कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चला रही हैं ताकि जो टारगेट्स हम अचीव कर सकें, तो उनको ये अवार्ड से सम्मानित है वो किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि किसको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, सीड है क्या, किस लिए ये अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। तो मैंने कि इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज को लेके जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं कैसा उन्होंने काम किया है, जैसे कि कुछ संस्थाएं हैं, एग्जाम्पल मान लो कि कोई एक्स वाई जेड संस्था है, उसने इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया है, या फिर इन्वायरमेंट के जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कर रही है, उनको जागरूकता वगैरह करवाई है, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को इसमें सम्मानित है वो किया जाता है। तो यह था सीड अवार्ड के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है साखारोव प्राइज़ के बारे में। तो क्या है साखारोव प्राइज़, वो हम देख लेते हैं साखारोव प्राइज़ के बारे में। देखो साखारोव प्राइज़ है वो प्राइस ऑफ फ्रीडम टू थॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्राइज़ फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट है वो साखारोव प्राइज़ को नाम को ही बोला जाता है। देखो साखारोव एक पर्सन थे जिन्होंने यूएसएसआर, जो आज का रूस है, रसिया है, इसमें जो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनाया था उन्होंने, उनका जो मैन आप बोल सकते हो कि मैन जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था साखारोव। तो स्टार्टिंग में जब इन्होंने हाइड्रोजन बम बनाए थे, इसके बाद में क्या एक श्रृंखला स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि यूएसएसआर ने काफ़ी सारे हाइड्रोजन बम बना लिए थे एक के बाद एक। तो बाद में इन्होंने हाइड्रोजन बम बनाने के बाद इनका क्या है आइडिया है, दिमाग चेंज हो गया। इन्होंने सोचा कि अगर इस तरीके से हाइड्रोजन बम या बोम बनाए जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा तबाही ला सकते हैं। तो इसलिए बाद में इन्होंने क्या किया कि यूएसएसआर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वगैरह थी इन्हीं का विरोध करना शुरू कर दिया कि ये गलत है वगैरह वगैरह। तो बाद में इनको क्या है कि मतलब बंदी बना लिया गया था और काफ़ी प्रताड़ित किया गया था। तो इसी के बाद में साखारोव प्राइज़ का नाम है वो स्टार्ट किया गया था। तो अभी जो साखारोव प्राइज़ है वो एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है इलम तोहित, ये नाम ध्यान रखना है इलम तोहित, इनको इस अवार्ड से सम्मानित है वो किया जा रहा है। अभी तो बेसिकली जो इलम तोहित हैं वो चाइना के अंदर एक कैदी के रूप में है, क्योंकि उन्होंने चाइना में जो उइगर कम्युनिटी के मुस्लिम हैं उनके लिए आवाज़ है वो उठाई थी ओलो रोड में, इसीलिए उनको चाइना ने जेल में डाल दिया था। तो अभी उन्हीं को इस अवार्ड से सम्मानित है वो किया जाना है। तो देखते हैं कि भाई चाइना आगे किस तरीके से इस चीज़ को एक्शन है वो यहाँ पे लेता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो यहाँ पे साखारोव प्राइज है वो किसके द्वारा तो रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या इसकी क्राइटेरिया वगैरह है। तो देखो जो साखारोव प्राइज है वो यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा सम्मानित है, वो यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा इस प्राइज़ को दिया जाता है, और इसे 1988 में स्थापित किया गया था। इसमें लगभग 50,000 जो यूरो की अमाउंट है वो दी जाती है प्राइज़ के तौर पर, और ये किसको दी जा रही है इस बार, इलम तोहित को, क्योंकि उन्होंने उइगर कम्युनिटी के मुस्लिमों के लिए आवाज़ है वो उठाई थी।
ये हैं एलम तोय, जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित है, वो किया जाना है। तो इसमें यूपीएससी एक तो आपसे ये पूछ सकती है कि उइगर कम्युनिटी, तो ध्यान रखना है मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है, चाइना। जिस तरीके से रोहिंग्या है, तो रोहिंग्या कहाँ से बिलोंग करती है आपको पता है, म्यांमार के रखाइन प्रोविंस से। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी कई बार पूछ लेती है, कुर्द कहाँ से बिलोंग करते हैं, सीरिया वाले कुर्दिस्तान वाले एरिया से, तो ऐसे फैक्ट यूपीएससी पूछ लेती है, तो ये ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है नैना फार्मास्यूटिकल के बारे में, तो देख लेते हैं क्या है नैनो फार्मास्यूटिकल्स। देखो नैनो फार्मास्यूटिकल्स है, इसका आप एग्जाम्पल समझो, जैसे किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो गई है, अगर हम बात करें बहुत सिंपल वे में, तो सबसे अच्छा आप एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पे कैंसर सेल्स का ही। जैसे कि किसी भी इंसान की बॉडी में अगर कैंसर हो जाता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जो रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी यूज़ की जाती हैं, तो जो पेशेंट होता है उसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि शरीर पे जो बाल हैं वो कुछ टाइम के लिए उड़ जाते हैं टेम्परेरी, या फिर हम और बात करें तो मतलब आज शरीर का जो कलर है वो डार्क हो जाता है, एक बार शरीर पे काले काले चकते हो जाते हैं, तो ऐसे उसके साइड इफेक्ट होते हैं। क्योंकि देखो आपको पता है कि उसमें होता क्या कीमोथेरेपी में, कि वो जो कैंसर सेल होती हैं उनको ही ख़त्म नहीं करती, जो और अच्छी सेल्स होती हैं, जो पॉजिटिव सेल्स होती हैं, जो कि हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको भी वो नुकसान पहुंचा देती हैं। तो इसी समस्या का सोल्यूशन निकालने के लिए, मतलब कि केवल कैंसर ट्रीटमेंट की बात नहीं की जा रही है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम की भाई साइड इफेक्ट हो रहे हैं दवाइयों के, इनको रोकने के लिए नैनो फार्मास्यूटिकल्स का काफ़ी बड़ा योगदान रह सकता है इस सेक्टर में। तो अभी न्यूज़ ये आई थी कि गवर्नमेंट ने इसके लिए गाइडलाइन है वो जारी की है कि भाई इंडिया में नैनो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में किस तरीके से इवोल्यूशन हो सकता है, कैसे कैसे गवर्नमेंट को फोकस करना है, अगर कोई भी कंपनी नैनो फार्मास्यूटिकल्स के तहत दवाई बना रही है तो उसको कैसे मतलब गाइडलाइंस वगैरह को फुलफिल करना है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, जो नैनो फार्मास्यूटिकल्स मटेरियल यूज किए जाएंगे, नैनो मटेरियल्स उनको किस तरीके से डिकम्पोज किया जाएगा, कैसे उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, उनका साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा, इस तरह के कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने भी जारी की हैं। तो आप नैनो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब तो समझ गए कि भाई जो इस तरीके के मतलब साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको काउंटर करने के लिए। अब होगा क्या कि इस नैनो फार्मास्यूटिकल्स मेथड के तहत क्या होगा कि दवाई इस तरीके से बनाई जाएगी कि पेशेंट के जिस भाग में प्रॉब्लम है, जैसे ये मान लो कि ये इंसान के पैर हैं, अगर इंसान के किसी पैर में एक हिस्से में चोट है तो दवाई सिर्फ उसी हिस्से पर काम करे, बाकी जो और हिस्से की सेल हैं उनको कोई भी प्रभावित ना करें। अभी क्या होता है, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं तो वो पूरे शरीर में फैल जाती है मेडिसिन, और फिर जिस हिस्से में ज़रूरत होती है वहाँ पे उसका योगदान मतलब वहाँ पे वो दो दवाइयाँ वो काम आती हैं, और बाकी कई बार सही हिस्से में उसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है। तो नैनो फार्मास्यूटिकल्स के तहत अगर दवाइयाँ बनेंगी तो उसमें होगा क्या, पर्टिकुलर जिस एरिया में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसी एरिया का ट्रीटमेंट होगा, तो एक तो जो टारगेट है मतलब दवाइयों का वो फिक्स रह जाएगा कि हाँ भाई इस एरिया का सोल्यूशन हमें करना है, यहाँ पे जख्म वगैरह घाव हो रखा है इसको सोल्व करना है, तो एक तो इससे एक्यूरेसी बढ़ेगी, घाव वगैरह कुछ भी इस तरीके से वो जल्दी भी फिलअप होंगे, और जो साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं दवाइयों के वो भी कम होंगे। तो ये नैनो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के काफ़ी बड़े आगे योगदान है, आप बोल सकते हो कि फ़ायदे हो सकते हैं, तो उसी को लेकर न्यूज़ यहाँ पर आई है। देखो नैनो मटेरियल का मतलब ये होता है वो मटेरियल जिसके कण की साइज़ है वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, यानी कि वो कण का मतलब तो आप समझ गए ना, पार्टिकल्स, कि भाई वो पार्टिकल्स जिसकी साइज़ 1 nm से 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में जो कण की साइज़ होती है, आप बोल सकते हो कि पार्टिकुलर साइज़ होती है, इसको हम नैनो मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है कि नैनो मटेरियल क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में, UCCN। देखो यूनेस्को के द्वारा अभी इंडिया की मुंबई और हैदराबाद सिटी है इसको क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क लिस्ट में शामिल किया गया है। अब पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ही इंडिया की कोई सिटीज़ में कहाँ शामिल हुई है, इससे पहले इंडिया की 3 सिटी शामिल हो चुकी हैं यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क इंडेक्स नेटवर्क लिस्ट में। सबसे पहले इंडिया की जो सिटी थी वो 2015 में शामिल हुई थी जयपुर, जिसको शामिल किया गया था क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के एरिया में। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यूनेस्को जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क लिस्ट है इसमें किस किस क्राइटेरिया के आधार पर सिटीज़ को शामिल किया जाता है। देखो 7 कैटेगरीज हैं, इनके आधार पर यूनेस्को है वो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क लिस्ट में जो सिटीज़ हैं उनको शामिल करता है। पहली जो कैटेगरी है वो है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, सेकेंड है वो है डिज़ाइन, थर्ड है फिल्म, फोर्थ है गेस्ट्रोनॉमी, फिफ्थ है म्यूजिक, सिक्स्थ है मीडिया आर्ट्स, और सेवन्थ है लिटरेचर। अब जो जयपुर वो रिस्टार्ट में ऐड किया गया था 2015 में, वो किया गया था क्राफ्ट्स के एरिया में, क्योंकि जयपुर की जो क्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं।
इसके बाद में वाराणसी को ऐड किया गया था क्रिएटिव सिटीज ऑफ म्यूजिक के तौर पे 2015 में ही, और फिर 2017 में चेन्नई को ऐड किया गया था क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक को लेके चेन्नई को ऐड किया गया था। और अभी रिसेंटली जो हम बात करें मुंबई है, इसको तो ऐड किया गया है फिल्म के लिए, क्योंकि मुंबई आपको पता है फिल्म सिटी के नाम से जाना जाती है और काफ़ी फेमस भी है। इसके साथ ही जो हैदराबाद है इसको गेस्ट्रोनॉमी, गेस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है पाकशाला, यानी कि जो व्यंजन बनाने की जो कला होती है, फूड जो आइटम्स होते हैं व्यंजन बनाने की, इसके लिए। तो ध्यान रखना कि हैदराबाद को गेस्ट्रोनॉमी के लिए और मुंबई को अभी फिल्म्स के लिए यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क लिस्ट में शामिल किया है। देखो, जो यूनेस्को के द्वारा ये क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क लिस्ट है ना, ये 2004 में स्टार्ट की गई थी। इसका मोटो ये था कि भाई हर एक कंट्री के अंदर कोई ना कोई ऐसी, आप बोल सकते हो कि सिटी होती है जो एक अपने आप में कल्चरल के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंस, उसकी वैल्यू होती है, यानी कि कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जानी जाती है। तो उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके लिस्ट है वो स्टार्ट की गई थी। तो अभी तक इसमें 246 सिटीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की, वो शामिल की गई हैं। इंडिया की इसमें टोटल 5 सिटीज़ हैं वो शामिल हो चुकी हैं। कौन सी सिटी किस किस के लिए है, तो ये अभी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, 5 ही सिटीज़ हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया के आधार पे। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।